नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Child care, for the intimate care that your baby deserves. Good, very good. बहुत अच्छा लगा मुझे. क्यों शर्मा, क्या ख्याल है तुम्हारा? You're right sir, सुनील ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है. हिंदुस्तान भर में सुनील से अच्छा क्रिएटिव ब्रेन नहीं है और उसकी पूरी टीम तुम्हारे काम पे लगी हुई है. You don't have to flatter yourself, दीपक. तुम्हारे सारे कैंपेन हमें मंजूर हैं. क्यों मिस मुखर्जी? बिल्कुल ठीक है सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन सबसे आला माना जाएगा. पर तुम्हारे ये हजरत सुनील हैं कहाँ? जरा मिलवाओ तो सही. सॉरी सर, सुनील साहब एक बिजनेस मीटिंग पर गए हुए हैं. मैं तुम्हारा दीवाना इसलिए हूँ कि तुम महज सिंगल डायमेंशनल लड़की नहीं हो. मतलब? मतलब ये कि तुम में दो डायमेंशन है. पहली ये कि तुम बहुत खूबसूरत हो और दूसरी ये कि तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो. इसलिए मैं तुम पर मरता हूं. Really? सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और सदा ही रहेगा. मालूम है क्यों? क्योंकि तुम थ्री डायमेंशन ले रही नहीं, फोर डायमेंशन ले रही हो. तुम
सुंदर हो एक डायमेंशन, तुम मैच्योर हो तो जो बेकार हो दूसरी डायमेंशन, बहुत इंटेलिजेंट हो समझदार हो तीसरी डायमेंशन। क्यों होती हो जाने मन? मैं तो महज ये सोच रहा था कि कितना प्यारा सा समा है, ठंडी ठंडी चांदनी है, अगर हम लोग उस झाड़ी के पीछे सुनो तो। Where are you, my boy? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? 55 लाख सुंदर ने हमारे 55 लाख का कैंपेन पास कर दिया है। टीवी कमर्शियल्स, रेडियो प्रोग्राम्स, एड्स, होर्डिंग्स, यू नेम इट, सभी कुछ होगा। सुनील माय बॉय, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी फतेह है। अब तुम फौरन छूट जाओ इस पे और सब काम छोड़ दूं? ओहो, थोड़ा सा अकोमोडेट कर लो ना दीपक। यू नो कितने सारे कैंपेन्स पूरे करने हैं मुझे। आई अंडरस्टैंड। तुम ऐसा करो, उनकी प्रोडक्ट मैनेजर मिस मुखर्जी से एक मीटिंग कर लो, उसके बाद काम की शेड्यूलिंग अपने हिसाब से करना। मिस मुखर्जी काफी सुंदर और तराशी हुई चीज है। 10 में कितने? 7। 10 out of 10 वाली पता नहीं कब मिलेगी। हर नए कैंपेन को मैं एक रोमांटिक अफेयर मानता हूँ और मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरे दिल के साथ होता है। ऐसी बात है? जी हाँ। क्या ख्याल है अगर हम अपनी बातचीत को लंच पर जारी रखें? दुरुस्त ख्याल है। गंभीर मामला है। सच? पर घबराओ मत, इसका इलाज मैं जरूर निकाल लूंगा। ऐसा? अले 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 बाबा, अले अले मिला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए
लो भागो। आगे बाबू साहब ला ला ला। हेलो, तू बड़ी गुलाबी सी है। हाँ लगता है तो सही। फूलों में ताजगी ही कुछ और है। हाँ है तो। हवा में महक कुछ ज्यादा है। शायद बाहर तो है, यहाँ मेरे कमरे में तो वही एयर कंडीशन की हवा है रोज जैसी। तो इतने सवेरे सवेरे दफ्तर में क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ मेरी जान, रोटी खानी है। घर चले आओ। पर मामला क्या है आज सवेरे सवेरे? मैंने एक गीत लिखा है जो तुमको सुनाना है। मैंने एक गीत लिखा है जो तुमको सुनाती हूँ। सोए हुए रंगी ख्वाबों को सांसों से सजाती हूँ। मैंने एक गीत लिखा है जो तुमको सुनाती हूँ। सोए हुए रंगी ख्वाबों को सांसों से सजाती हूँ। मैंने एक गीत लिखा है। चल कर ये
मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी कविताओं का रिकॉर्ड बनना ही चाहिए। प्रॉमिस करो एलपी बनवाओगी? अच्छा बाबा, बनवाएंगे। गाओगे भी खुद ही? नहीं नहीं, गाना वाना खुद नहीं, किसी अच्छे से सिंगर से गवाएंगे। पर तुम इतना अच्छा गाती हो, ओफो व्हाट अ वेस्ट। वो हम सिर्फ तुम्हारे लिए गाते हैं। हाँ, पर या... जिद मत करो प्लीज। ओके ओके, लीजिए मैडम, सिर्फ शोभना भाभी के घर तक ही नहीं, उनके ड्राइंग रूम तक तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। क्या अभी आपका गुलाम दफ्तर के लिए रवाना हो सकता है? हाँ हाँ, जाओ, बड़े बनते हो, सिर्फ 10 मिनट की तो ड्राइव है। 10 मिनट? मैडम 20 मिनट की ड्राइव तो अकेले हमारे घर से दफ्तर तक की है, और हमारे घर से शोभना भाभी के घर तक यानी बिल्कुल उल्टी तरफ आने के पूरे 25 मिनट अलग। ठीक है ठीक है, नक्शा मत दिखाओ, मैं आपसे तुम्हें कभी नहीं आने को कहूंगी। अरे अरे, नाराज ना हो जान मेरी, तुम कहो तो मैं दफ्तर ही नहीं जाऊँ। तुम्हारी खुशी के लिए मेरी हर चीज कुर्बान है। नारा सुनिए ना, हंसो हंसो ना। ये हुई ना बात, अब मैं जाऊं। हाँ जा, पर देखो कि 5 बजे आ जाना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, क्या मजाल जो मैं लेट हो जाऊं, बंदा वक्त पर हाजिर होगा। भाभी तुम जरा इनका ख्याल रखना, तुम तो जानती हो मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है। अच्छा, अब तक तैयार नहीं हुई? हद हो गई भाई, सिर्फ 2 ही मिनट तो लगेंगे, साड़ी ही तो बदलनी है। चलो रूम में चलते हैं। ओफो, आज मीटिंग जरूर देसी शुरू होगी, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों तो यहाँ बैठी हैं। आखिर तुम कर क्या रही थी अब तक? यार आज सुनील के लिए फ्रेंच केक बनाने को जी कराया, खुद अपने हाथों से। कमाल है, पूरे 12 साल हुए तुम दोनों की शादी को, उससे पहले 5 साल तुम दोनों ने कोर्टशिप की। तुम लोगों के चोचलेबाजी का भी जवाब नहीं। चोचलेबाजी नहीं, प्यार। हाँ हाँ प्यार, मालूम है कैसा प्यार करते हैं सुनील, पूरे कृष्ण कन्हैया हैं। पता नहीं तुम कैसे आंखें मुंदे रखती हो, मैं तो साहब पूरा कंट्रोल रखती हूँ। क्या मजाल है जो राजेश की नजर इधर से उधर हो जाए। यार हम एक दूसरे को ओन नहीं करते, बिलोंग करते हैं, और ये लॉयल्टी ये ईमानदारी सब दिमाग में होती है, जिस्म में नहीं। ये कैसी ईमानदारी हुई कि दिमाग कहीं और लगा है और बैठे आप साथ साथ हैं। चलें। हाय 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 हाय, जवानियां ये मस्त मस्त, क्या अंदाज है,
क्या शौकी है, मर गए यार। ओ, यार मजे तो तुम क्रिएटिव लोगों के हैं। ब्यूटी लेफ्ट ऑफ यू, ब्यूटी राइट ऑफ यू, ब्यूटी बिहाइंड यू, ब्यूटी इन फ्रंट ऑफ यू, यानी ऑल अराउंड यू खूबसूरती ही खूबसूरती। मगर यार हम तो समंदर में रहकर भी प्यासे रहे। यार इस बार मुझे भी साथ ले चलना इस नए प्रोडक्शन ट्रिप पर, कुछ अपनी भी तकदीर खोल दे ब्रदर। बीवी से पूछ लिया है, वो जाने देगी इस तरह? तुम लोग कभी जुदा जो नहीं होते हो? अरे तू किस मर्ज की दवा है यार, ऊपर वालों से ऑर्डर करवा देना। अब अगर डायरेक्टर्स का हुक्मनामा हो और मेरे प्रमोशन का सवाल हो तो मामला कुछ और हो ही जाता ना। तुम बेटा पूरे गिरगिट हो, बीवी के सामने सीधे साधे वफादार ईमानदार शौहर बने रहते हो और छुपके छुपके छिपे छिपे ताक झंक में रहते हो। फिर दावा है आइडियल मैरिज का। आइडियल मैरिज माय फुट, कैद खाना है कैद खाना। आई एम स्टाइफल अमा, कुछ एयर चाहिए, कुछ मूवमेंट चाहिए। हाँ हाँ हैं जी, यही है। हे भाई मूवमेंट ले, मूवमेंट का वक्त आ गया। अच्छा हेलो, हाय हाय डार्लिंग, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें सीधा ओपेरा हाउस से पिकअप कर लूंगा। अरे क्या मजाल मेरी, जो मैं लेट हो जाऊं मेरी मलिका। अच्छा मैं पारी के लिए चला, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं। I'll see you there. ए, मेरा काम कर देगा ना? हाँ हाँ, मैं तेरा आइडियल दोस्त जो हूं ना। हाँ मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ डार्लिंग। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारी एजेंसी की सबसे बड़ी फतेह है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अकाउंट हमें मिला है और ये सेहरा सुनील और उसकी टीम पर जाता है। सुनील माय बॉय, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे यकीन है कि तुम एक ऐसा कैंपेन तैयार करोगे कि हिंदुस्तान के हर बच्चे बच्चे की जुबान पर यूनिवर्सल का नाम होगा। वेल व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स ड्रिंक टू दैट एंड स्विंग विद इट। तो सिर्फ घुमाने ले जा रही थी। इसने एक कुत्ता देखा है, ही रन स्ट्रेट इन टू अ कार। शोभी पंचकनी चलते हैं, मैं मिन्नी को देखना चाहता हूं। नहीं मम्मी, मुझे कोई और पपी नहीं चाहिए, इससे टिन्नू तो वापस नहीं आ जाएगा। टिन्नू की जगह मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। सॉरी बेटे, अब हम टिन्नू की जगह किसी दूसरे पपी को नहीं लाएंगे। पापा टिन्नू की फोटो मेरे कमरे में लगी हुई है ना, उतनी ही बड़ी एक और तस्वीर बनवा कर मुझे भेज देना। हाँ बेटे, हाँ भेजूंगा, फौरन भेज दूंगा। चलो बेटे अब चलें। पापा एक मिनट रुको प्लीज। मम्मी ये फूल टिन्नू की फोटो पर चढ़ा देना। अच्छा बेटे चलो चलो बेटे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गीत। हो, आई एम सो डिलाइटेड। मनोज साहब हमारे इतने काबिल म्यूजिक डायरेक्टर हैं कि अगर आपके रिकॉर्ड का जिम्मा इन्होंने ले लिया तो बात बन गई। हो, इट विल मेक ए वंडरफुल रिकॉर्ड। मुझे कुछ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी आपके साथ शोभना जी। जरूर। तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट का बंदोबस्त करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है दीक्षित जी, अभी सुनील को कुछ मत बताइए, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओह आई सी, श्योर श्योर, मैं नहीं बताऊंगा। खूबसूरती का इतना जबरदस्त कलेक्शन आज तक नहीं देखा। 7, 8, 9, 10 सभी कुछ तो है यार। और ये लास्ट वाली, she was the too much। ये तो फुल 10 थी, 10 नहीं 20 थी। यानी इसने खूबसूरती का बैरोमीटर ही तोड़ दिया। ये लास्ट वाली लड़की का नाम क्या था? किरण। किरण? I think she's it। क्या कहते हो? You are dead right, boss। Terrific। पीरे? I think lead model इसी को रखते हैं। क्या ख्याल है? You heard them, Rohi। अच्छा सुनो। फ्लाइट कल 4 बजे है। टेल देम कि लंच के फौरन बाद ठीक 2 बजे हम लोग यहाँ मिलेंगे। दे मस्ट बी रेडी, ओके? ब्रदर, आई टेल यू, मैं तो मर गया। जिंदा नहीं हूँ मैं, आई एम डेड, डेड। यार मेरे लिए तो 8 ही ठीक है, 7 भी ठीक है यार। और अब तो तेरी तलाश भी पूरी हो गई, फुल 10 मिल गई। क्या नाम बताया? किरण। किरण, तुमसे होगा मिलन। देख दोस्त, तुझे शायद नहीं मालूम कि मैं मॉडल्स पे कभी आशिक नहीं होता, क्योंकि इन लोगों में सिर्फ एक डायमेंशन होती है, जिस्मानी खूबसूरती। और उसका एहसास इस तरह खाए रहता है कि ये लोग काफी बोरिंग हो जाती हैं, समझे? तो अपन के लिए लड़की सिर्फ बाहरी ब्यूटी के लिहाज से ही 10 नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ डायमेंशन भी होनी चाहिए। देयरफॉर माय डियर फेलो, मेरी तरफ से किरण भी तेरे लिए फ्री है, ओके? संभल के रहना, ये वाकई किलर है। इसकी फ्लर्टिंग के किस्से बहुत मशहूर है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू डार्लिंग, सुनील ना तो तुम पे डोरे डालने वाला है ना हम पे। ये मशहूर है कि वो कभी किसी मॉडल से दोस्ती नहीं करता, चाहे वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो। रियली? हाउ पिक्यूलियर। यानी कि किरण पे भी नहीं? What do you mean? Oh, Kiran, you must take this challenge. Darling, leave me out. Please, Kiran. यह हमारी इज्जत का सवाल है। यार, तुम मॉडल के बात करो। Really? इज्जत का सवाल है? मजा आएगा। यह वाला विक्की हो जाएगा। Come on. हमें भी है ना? Come on. Let's see क्या बात। Let's show it to him. Oh, yeah. वो आ रही है ब्रदर। वो आ रही है। कौन? 10। कम इन। मे आई हैव अ लाइट प्लीज? थैंक यू। मार्लबोरो, दैट्स अ बिट हैवी यू नो। सेहत और सुंदरता दोनों के लिए ठीक नहीं है। ओह रियली? फिर तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अब आप नीचे पहुंच जाइए, कोच आप लोगों का इंतजार कर रही है, ओके? There she comes. What happened? I don't believe it.
ओ किरण, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। डोंट बी सिली राजीव। ओ यू यू डोंट केयर। आज दूसरे दिन चिट्ठी लिखोगी ना? हाँ लिखूंगी। बाय किरण। Excuse me, miss. You are on the wrong seat. Oh, don't bother. कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। Okay. Thank you. अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं और धूम्रपान भी कर सकते हैं। नो थैंक यू। Hi, brother. Hello. Hello. Hi, Rajesh. Hello. Oh, hi. How are you? Hello, Rajesh. Hi. Rajesh. अरे बड़ी रास्ते में खड़ा खड़ा क्या करता है हमारे पापा को बात समझाने जाने के अरे अरे जल्दी करो नहीं अरे नो अरे All right. I'm sorry. How stupid of me. Never mind. मुझे जरा टॉयलेट जाना था सिर्फ इसलिए। बहुत खूब ब्रदर, बहुत खूब। मुझे मॉडल्स में दिलचस्पी नहीं है। And what was that if I may ask? सोजा डार्लिंग सोजा। I can't understand ये ऊपर वाला सारी किस्मत एक जगह पे क्यों रख देता है? अच्छा लिसन, तू अपनी किस्मत खोलना चाहेगा? क्या मतलब? मेरी जगह लेगा? You are joking, brother. I'm serious. अच्छा जाऊं? जा जाता हूं। चल जा। थैंक यू। हियर आई कम। कैसा रहा? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहती थी उसके डैडी से मेरी शक्ल बहुत मिलती, मेरी बोली चाल ढाल भी उनके जैसी, और मैं उन्हीं की तरह स्वीट भी हूँ। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। नो, ये नहीं चलेगा। आंखों में बेशमन लाओ, दरिंदपन लाओ और लंबी लंबी सांसें लो, ऐसे इस तरह, और एक साथ गटगट करके नहीं, इसे अटक अटक कर पियो, ऐसे। अंडरस्टैंड? समझे ना? चलो ओके सेट अप।
एक्शन। Cut! That was good. Thank you. Anytime. गॉड, कट ही नहीं बोला बॉस आपने, मेरी तो उंगली भी जम गई, पूरे 300 फुट का शॉट था। सॉरी, बट दैट वाज ग्रेट। चलो दूसरा शॉट हो जाए। ऑल राइट, गो एट हिम लाइक अ टाइगर, यू नो, एक लंबी सी लीप लो। टाइगर उछलता है ना, उड़ता हुआ सा, और चेहरे पर डिजायर, लॉन्गिंग, ऐसे ऐसे। अच्छा देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, कट। दो बोतलों से ठीक से नहीं हो पा रहा है, एक बोतल से काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं हो सकता दो बोतलों से? शो मी नाउ, वॉच। चलो काम।
May I come in? Yes. Why? Why what? आपको मुझसे क्या शिकायत है? आप मुझे हर वक्त जलील क्यों करते रहते हैं? बोलिए। क्या बोलूं? I don't know what you're talking about. You don't know what I'm talking about? I'll tell you. आपने जो प्लेन में मेरे साथ किया था, that I'm talking about. आज सुबह आपने जो शूटिंग में मेरे साथ किया था, that I'm talking about. अभी आपने बाहर जो मेरे साथ किया, that I'm talking about. तुम जो हंस कर बाद
लो, को देख लो, तुम जो हंस कर बादलों को देख लो, बिजलियां लेने लगे अंगड़ाइयां, फिर वही हम हैं वही तन्हाइयां, तन्हाइयां दो घड़ी बहला गई परछाइयां।
ठहर जाओ ना। जिद मत करो, यू नो मैं रात में नहीं रुक सकता। आई लव यू। अभी तक बैठी हो? आंख लग गई टेलीविजन देखते देखते। क्या टाइम हो गया? होने वाले। यस मैरी। खाना गरम कर दूं मैडम? हाँ कर दो। मुझे तो कोई भूख नहीं है। कुछ तो खाओगी? ओके। तुमने खाया नहीं अब तक? तुम सुबह कह रहे थे कि जल्दी आ जाओगे, तो मैंने सोचा साथ ही खाएंगे। फिर टेलीविजन में इतना खो गई कि पता ही नहीं चला। ओह शोभी, व्हाई? बहुत थक गए तुम। सोचा। You know we have to stop. What do you mean? हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। पर क्यों? तुम जानती हो क्यों? You know I love you. मैं किसी से कुछ भी तो नहीं मांग रही। मैं ये नहीं कह रही कि तुम शोभना को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरे रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार मांग रही हूँ। I know. तो फिर? I can't explain. क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, ये क्यों नहीं बता सकते कि प्यार करना कहाँ का गुनाह है? मैं पहले भी कई लड़कियों से मिलता रहा हूं, पर कभी भी मुझे अपने अंदर ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ जिससे शोभना और मेरे रिश्ते को ठेस पहुंचती। Because I've been in love with शोभना, पर तुम्हारे साथ, I don't know, मुझे कुछ होता जा रहा है।
मैं दो औरतों से एक साथ प्यार नहीं कर सकता। ओ डार्लिंग, प्लीज लव मी, प्लीज लव मी। किरण, गो, प्लीज गो बिफोर इट्स टू लेट। डार्लिंग, आई लव यू, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी। आज के बाद तुम कभी भी मुझे फोन नहीं करोगे, कभी भी मुझे नहीं मिलोगी। मैं भी कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगा, ना ही कभी मिलने आऊंगा। हम सिर्फ काम के खाते मिलेंगे, और हो सकेगा तो उसके लिए भी नहीं। ओ सुनील, नो नो सुनील, नो। किरण, गो प्लीज। क्या गाड़ी चलाने को नहीं आता क्या? साला अंधा कहीं का, देखा सब कैसा फालतू का लोग गाड़ी चलाने को आ जाता है। क्या मामला है? आज बड़े खोए हुए। नथिंग, कोई खास बात नहीं। यार मामला क्या है? आज ना तुमने खाना खाया ठीक से, ना कुछ बोल ही रहे हो, बस मुंह फुलाए घूम रहे हो। ओफो, बोला ना, भूख नहीं है ज्यादा। तो फिर इतने चुप क्यों हो? यार चुप रहने पर कोई बहन लगा हुआ है क्या? सुनील, पता नहीं, what are you talking about? Oh, तो तुम्हें नहीं मालूम what I'm talking about? Okay, अभी आके बताती हूँ। ये है what I'm talking about, ये, ये, और ये। मगर हुआ क्या? अभी समझाती हूँ। ये देखो, ये, और ये। आहा, क्या जोड़ी है? मियाँ जी के आशिकी की चर्चे दुनिया भर में छप रहे हैं, और बेगम साहब को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गॉसिप, गॉसिप, गॉसिप। यार तुम हर वक्त इन गॉसिप मैगजीन्स में क्यों लगी रहती हो? अगर ये मैगजीन्स या अफवाहें नहीं बनाए तो बिकनी ही बंद हो जाए। और लो, मैं तो पागल हूँ ना जो इन अफवाहों में पढ़ती हूँ। अच्छा बाबा, अपने मन की करो, मैं कौन हूँ तो तुम्हें कुछ कहने वाली? मैं चली, पर याद रखना, रोएगी एक दिन बैठकर। अब भी वक्त है लगाम पकड़ने का। पर बैठो तो, तुम भागी कहाँ जा रही हो?
मुझे वक्त ही नहीं फालतू का। मुझे सोसाइटी का काम देखना है, मियाँ जी की चालढाल पे नजर रखनी है। तुम्हारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के मैं नहीं बैठ सकती। मैं चली। सोने दो ना। बात करो ना यार, इतने चर्चे हो रहे हैं तुम्हारी आशिकी के, कुछ हमें भी बताओ ना। डोंट टेल मी कि तुम भी गॉसिप मैगजीन पढ़ने लगे हो। नो, नॉट रियली। मेरी किताब का क्या हुआ? I'm sorry. आज मैं बाहर निकला ही नहीं बिल्कुल। सारा दिन दफ्तर में ही रहा, खाना भी वहीं खाया। बहुत काम था। Oh. I see. अपना प्रॉमिस याद है ना? क्या? यही के आपकी एनिवर्सरी के मौके पे जो मांगूंगी दोगे? यस। क्या चाहिए? बस तो अब की बार हम बाहर जाएंगे एनिवर्सरी के लिए। कहाँ? कोडिकनाल, जहाँ हम पहली बार मिले थे। 12वीं एनिवर्सरी है। मैं उन तमाम जगहों पर फिर से जाऊंगी जहाँ हमारी मोहब्बत पनपी थी। पर कुछ नहीं, मैं अगले थर्सडे को चलने का प्रोग्राम बना रही हूँ। पर मैं क्या कर सकता था? I had no choice. जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? ओ सुनील, मैं अकेली नहीं रह सकती। डोंट वरी, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। कोशिश करके हफ्ते भर में लौटाऊंगा। पर शोभना के साथ जाना जरूरी है। याद है यहाँ क्या किया था तुमने? आओ। बात क्या है? खड़ी तो हो, एक ऐलान करना है। ऐलान? हाँ। आओ। अरे आओ। ओफो। इस तरह। दुनिया वालों, कान खोल
मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और यदि इससे मेरा ब्याह नहीं हुआ तो मैं इसे भगा कर ले जाऊंगा। क्या ख्याल है, अपनी शादी की आधी सिल्वर जुबली का ऐलान कर दूं इस बार? ख्याल ठीक है, लेकिन मुझे जरा देख लेने दो, कहीं कोई खच्चर या गधा तो नहीं है आसपास। कोई देख लेगा। देख लेगा तो अपनी शाम खराब करेगा। मम्मी डैडी को पता चल गया तो अच्छा ही है, शादी जल्दी हो जाएगी। फिर कहाँ खो गई? तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है शायद? कोई खास नहीं। चलो छोड़, वापस चलने के बारे में क्या ख्याल है? एक हफ्ते की जगह 10 दिन हो गए। बस 2 दिन और, संडे को वापस चलेंगे। बदल गई है जगह, सब कुछ नया नया सा। 12 साल हो गए, अच्छी अच्छी जगह बदल जाती है 12 साल में। You're right. लेकिन मुझे तो ये जगह पहले अच्छी लगती थी, बड़े बड़े झाड़ फानूस, विक्टोरियन फर्नीचर, फिर ये डेकोरेशन। हाँ, पर पीरियड में हमेशा तो नहीं रह सकते, प्रोग्रेस के लिए बदलना जरूरी है। तुम नहीं बदले, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, और हम भी नहीं बदले। हम तुम पे उतना ही मरते हैं जितना पहले मरते थे। ऑर्डर सर। एक तो बहुत ठंडी शैंपेन की बोतल ले आइए। जी। डार्लिंग, तुम तो जानती हो मुझे क्या पसंद है, तुम ऑर्डर करो, इतने में वहां जाकर आता हूं। ओके। यहां क्यों आ गई तुम? I'm sorry, darling. जब तुम 8 दिन का कह के गए थे और 12 दिन तक नहीं लौटे तो मुझसे नहीं रहा गया। ओ सुनील, होल्ड मी, होल्ड मी। ओ डार्लिंग, I love you. I love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I know. Look, इस रेस्टोरेंट के सामने जो होटल है, तुम उसमें चेक इन कर लो। मैं किसी न किसी तरह रात में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत प्यारी लग रही हो। इस साड़ी में बहुत हसीन लग रही हो। मामला क्या है? मामला क्या होना था, अच्छी चीज देखी, तारीफ कर दी। सुनील, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं भाई। तो फिर अचानक ये रोमांटिक बातें क्यों शुरू कर दी, और ये फ्लैटरी वगैरह? आज शाम तक तो तुम गुप्पी चुप्पी ताने बैठे थे। भाई देखो, कल शाम तो चले जाना है, तो आज यहाँ की आखिरी रात ज्यादा से ज्यादा रोमानी होनी चाहिए ना। हाय, मेरा तो लौटने को मन ही नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं करता, पर काम जो बाकी है। अच्छा चलो, अभी जल्दी जाके सो जाएंगे, सुबह तड़के उठ के
पॉप हटने के वक्त बोटिंग करेंगे। जब से यहाँ आए एक दिन भी सूरज उगते समय झील के किनारे नहीं गए, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। डन, पर एक शर्त है, सोने से पहले जरा बालकनी में बैठकर म्यूजिक सुनेंगे, उतारों के नजारे देखेंगे। वेरी वेल, म्यूजिक सुनना है तो हम तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। क्या? एक नया रिकॉर्ड सुनवाएंगे। किसका है? That my darling is the surprise. देख लोगे तो खुद ही जान जाओगे। बस दो मिनट में कपड़े बदल के आती हूँ। You can't do that to me. You know I'm committed to Shobhna. Oh, God. Deepak, I hate you. Oh, darling, I'm sorry. Deepak tha. In logon ne sab gadbad kar di. Kal 11 baje presentation hai. Editing mein koi galti ho gayi hai. Bahut bada campaign hai. Kehta hai agar main nahi aa saka to campaign cancel ho jayega aur 35 logon ki naukri jati rahegi. अभी अभी मैं मद्रास की ट्रेन लूंगा और वहाँ से सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे जाऊंगा। उन लोगों ने सारे शॉट ढूंढ रखे हैं, सिर्फ दो घंटे का काम है, कल शाम तक लौट आऊंगा। कहता है मैं फिर अपनी छुट्टी हफ्ते भर और बढ़ा सकता हूँ। You know, आज हमारी एनिवर्सरी की रात है। I know, I'm sorry. अच्छा मैं चलता हूँ। सिर्फ बैग साथ ले जाऊंगा। ट्रेन में बिस्तर तो हो गई और कल शाम तक तो वापस आ ही जाना है। प्लीज डार्लिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लौटते वक्त मेरी काली शॉल ले आना, ठंड काफी बढ़ गई है। मैरी को मालूम है कहाँ है। हम हैं वही तन्हा।
तन्हाइयां दो घड़ी बहला गई परछाइयां। I missed you. देखिए मद्रास के लिए लास्ट ट्रेन कितने बजे निकलती है? 8 बजे। 8 बजे? जी हाँ। उसके बाद कोई और ट्रेन नहीं है? जी नहीं। थैंक यू। सुनील, हमारा क्या होगा? I don't know. मुझे अपने से अलग तो नहीं करोगे ना? कैसा रहा? Well, सब ठीक हो गया, पर डार्लिंग तुम्हारी शॉल में नहीं ला पाया। I'm sorry. काम में इतना उलझ गया कि टाइम ही नहीं मिला, सीधे एयरपोर्ट भागना पड़ा। मैंने मेरी को फोन करके कह दिया था कि टाइम कम होने की वजह से घर नहीं आ सकता था। कोई बात नहीं, खास जरूरत भी नहीं, शाम को तो चले ही जाना है। क्या मतलब? आप तो एक हफ्ते और ठहर सकते हैं। नहीं अब नहीं, मन को चूप गया है। मैंने तो सामान की पैकिंग भी कर ली। डार्लिंग, तो वहाँ है। ऐसे सुनील। यस। कल रात तुम किरण से मिले थे? Yes. तुम उससे प्रेम करते हो? क्या मुझे? ओ गॉड, तुम जानती हो कि पहले भी मैं वो लड़कियों से मिलता रहता था, पर कभी भी तो ऐसी बात नहीं हुई। किरण के साथ बस मालूम नहीं कैसे ऐसा भूत उछल गया। मैंने तोड़ने की कोशिश भी की, पर पता नहीं क्या हो गया मुझे, एक अजीब आजाद होना चाहते हो?
तुम्हें आजाद करने को तैयार हूं। मैरी? यस मैडम। टैक्सी ले। ओके मैडम। शोभी प्लीज समझने की कोशिश करो। शोभी मैं कंपनी के फ्लैट में जा सकता हूँ, कॉटेज में जा सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम्हें अपार्टमेंट छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो सुनील, बहस से कोई फायदा नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। फिर कहाँ जाओगी? उसका इंतजाम हो गया है, मेरा पुराना फ्लैट 10 दिन में खाली हो जाएगा, वहां रहूंगी। और तब तक? तब तक होटल में रहूंगी। ओहो। अच्छा, कम से कम मुझसे रुपए तो लेती जाओ, होटल का बिल, घर का खर्च, ये सब कैसे चलाओगी? रुपए हैं मेरे पास। हैं? नौकरी के दिनों जो मेरा काम था उसमें काफी रुपए इकट्ठे हो गए थे, फिक्स डिपॉजिट में उनसे अच्छी खासी रकम बन गई। उससे गुजारा चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, नहीं चलेगा तो कुछ करूंगी। क्या करोगी? कुछ ना कुछ। ओ शोभी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देखो सुनिए, बरसों से मैं अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी थी, अब मुझे एक बार फिर खुद को पहचानने का, तराशने का मौका मिला है। तुम नहीं जानते भाग्य ने यह कितना खूबसूरत खेल मेरे साथ किया है। इस अमूल्य निधि को मैं अब नहीं खो सकती, मुझे खुद की दिशाएं ढूंढनी ही हैं। मैडम टैक्सी आ गई। ठीक है, सामान रख दो। गुड बाय सुनील। He gives me everything and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. This is crazy, really. उसके लिए मॉडलिंग छोड़ना क्यों जरूरी है ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता। ट्विंकी, मेरी नजरों से देखोगी तो सब समझ जाओगी। तुम्हारी नजर, my foot, पागल हो गई हो तुम। ट्विंकी, I am in love with Sunil. मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार में कोई भी फर्क आए, किसी भी वजह से। मैं उसे पूरी केयर देना चाहती हूँ। ओह गॉड, तुमसे बहस करना बेकार है, पर प्लीज कुछ भी करो, इस फ्लैट को मत छोड़ना। उफ़, तो छोड़ कौन रहा है, मैं तो सिर्फ सुनील के साथ रहना शुरू कर रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो ये फ्लैट भी काम आ जाएगा। सुनील का फोन। हाय। बहुत खुश हूं मैं आज। पूछो क्यों? जाने कब से मैं चाहती थी, जब सुबह उठूं तुम्हारी बाहों में नींद खुले।
क्या सोच रहे हो? ऐसे ही, बहुत काम है आज। I know. तुम उठना मत, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। क्या वहाँ भी किन्नू की फोटो होगी? हाँ बेटी, वहाँ भी तुम्हारा अलग कमरा है। मैंने उसे तुम्हारे मनपसंद रंगों से सजाया है, टिनू की फोटो भी लगाई है। क्या मैं पापा से नहीं मिलूंगी? नहीं बेटी, जब तुम छुट्टियों में घर आओगी तो कुछ दिन उनके साथ रहोगी, वो तुम्हें यहाँ भी मिलने आएंगे। लेकिन अब वो मुझे बहुत प्यार नहीं करेंगे ना? नहीं बेटी, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो तुम्हें क्यों नहीं करते? जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो जान जाओगी। मम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पहले से भी ज्यादा। कैसा लगा? गुड, वेरी गुड। सारी पेंटिंग तुमने की? और चार घंटे के अंदर अंदर। फैंटास्टिक। ये देखो, ये मिनी की ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पर मिनी के कपड़े, और यहाँ मिनी की किताबें, ठीक है? यप। यहाँ पहले जो तस्वीर थी वो कहाँ गई? वो पुरानी हो गई थी तो फेंक दी। फेंक दी? हाँ। ओफो, किसी से पूछ लेना तो चाहिए, कहाँ फेंक दी? वो तो रामू को मालूम होगा। रामू को? रामू, रामू! वो तो साहब गुरखा ले गया अपने लड़के के लिए। लीजिए साहब, यही है ना? हाँ यही है, ये लो बेटे को दे दो। अच्छा साहब। तो देखो, इसमें से कुछ मिठाई वगैरह खरीद कर बच्चों को दे देना। शुक्रिया साहब। I'm really sorry, darling. कोई बात नहीं। हॉर्लिक्स सर। सुनील, तुम्हारा हॉर्लिक्स। काम करने दो ना, पहले हॉर्लिक्स पी लो ना डार्लिंग। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज डार्लिंग। ओह, व्हाट द हेल आर यू अप टू? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, बचपन की याद है। ओह माय गॉड, कितनी बार कहा है कि काम के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो, पर समझ नहीं पड़ती। I'm fed up. Damn, damn, damn! I'm sorry, darling. Darling, forgive me, forgive me. Never mind. Checkmate. Wallah.
आज तो तीसरी मात हो गई तुमसे। तुम्हारा ध्यान ही नहीं था खेल में, अभी भी ऐड के बारे में सोच रहे हो। रात बहुत हो गई, अभी सो जाओ, सुबह कर लेना, फ्रेश रहोगी तो आइडियाज भी अच्छे आएंगे। नहीं शोभी, रात में खत्म करना, सुबह सुबह कैंपेन सब, वरना लोग कहेंगे चैरिटी वाले क्योंकि पैसे नहीं देते इसीलिए टाइम पर काम नहीं किया। अच्छा तो मैं कॉफी बना के लाती हूँ, फ्रेश हो जाओगे। ग्रेट आइडिया। शोभी, गूंगों और बहरों के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग नहीं समझ पाते? यू नो, गूंगे और बहरे लोग चाहे जितनी जोर से चीखें हम सुन नहीं पाते। शोभी, दैट्स इट, यू सेड इट। शोभी, मुझे इस एडवर्टिजमेंट का कैप्शन मिल गया, द लाउडेस्ट स्क्रीम दैट यू डिड नॉट हियर, द लाउडेस्ट स्क्रीम दैट यू डिड नॉट हियर। ओह ब्रावो शोभी, तुमने कमाल कर दिया, तुमने मुझे इस एड की कुंजी दे दी। अब मैं ऐसा एड लिखूंगा कि सोसाइटी फॉर डेफ एंड डम वाले खुश हो जाएंगे। तो पी लो। अब कॉफी नहीं भाई, कॉफी की जरूरत नहीं है, अब मैं एडवर्टिजमेंट पूरा करना चाहता हूँ। ये कैप्शन वाकई बहुत अच्छा है, मैं भी बैठ के कुछ बुनाई करूंगी, नींद तो जल्दी आएगी नहीं। इंटरव्यू अच्छा रिकॉर्ड हो गया, क्या ख्याल है? विविध भारती वाले तारीफ कुछ ज्यादा ही करते हैं। You deserve it. मुझसे ज्यादा तो आप डिजर्व करते हैं, म्यूजिक आपने दिया, सिंगर्स आपने चुने, एलपी आपने बनवाया। देखो सुनो, ये आप आपका चक्कर छोड़ो, हम दोनों अपनी अपनी जगह प्रोफेशनल लोग हैं, बराबरी के लोग, और बराबरी के लोगों में करीबी का नाता होता है, तुम का नाता। एग्री? एग्री। हे युवा, कॉफी पियोगे? जरूर। कम रात के वक्त मुंबई बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसे आसमान के तारे जमीन पे उतर आए हों। इतने बड़े शहर में तुम अकेलापन महसूस नहीं करती? करती थी जब सुनील से अलग हुई, पर अब नहीं, काम में मसरूफ रहने का यही तो फायदा है। गुड। तुम? मुझे भी बरसों से आदत हो गई इसी तरह रहने की, पर फिर भी ऐसी स्थिति आती जरूर है कि दिल सहारे ढूंढता है। तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं होती? नहीं, अब नहीं। जब हम सहारे ढूंढते हैं तभी अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, और जब सहारे ढूंढना बंद कर देते हैं तो सहारे की जरूरत ही नहीं रह जाती। You are right. चलूंगा, अच्छी कॉफी थी। ओके। मैं नर्वस इसलिए हूं कि तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। हर कैंपेन लेट हो रहा है, हर कैंपेन में कुछ ना कुछ कमी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे क्या भुगतना पड़ रहा है। आई नो। देखो मैं तुम्हारे जाती मामले में दखल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से ये किरण का मामला है। दीपक बचुआर, तुम मेरे जाती मामले में दखल देने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हो, and I don't like it. मुझे इस कंपनी के काम की क्वालिटी अच्छी रखने का, इसकी एफिशिएंसी कायम रखने का हक है या नहीं? हक है, एंड आई गारंटी अब से तुम्हारे कैंपेन्स टाइम पर रेडी रहेंगे और उनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, आई मीन इट स्वीटहार्ट, नाउ स्माइल, नहीं तो फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ओके, आई होप यू कीप योर वर्ड।
अनिल ने थोड़ा ही चक्कर डाला था, किरण ही उसकी दीवानी हो रही थी। अरे आई नो हिम, ही इज नॉट जस्ट अ फ्लर्ट, ही इज अ चीट। जब शोभना जैसी अच्छी लड़की के साथ वैसा कर सकता है तो किरण की तो बात ही क्या है। अच्छा छोड़ो भी, आशा को तो आ रही हूँ ना। कहाँ लेना के घर? हाँ वहाँ तो मैं जरूर आऊंगी। Is that you, darling? आज जल्दी आ गए दफ्तर से? ड्रिंक के साथ कुछ खाओगे? मैं भी लाती हूँ। नहीं, I don't want anything. ओह, रेडियो में गाने आ रहे होंगे। जिसे गाया है आशा भोसले ने। तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। Thank you.
महकी महकी चांदनी से ये हमारी प्रीत है, हर घड़ी हूँ साथ हूँ, ऐसी नहीं कोई रीत है। महकी महकी चांदनी से ये हमारी प्रीत है, हर घड़ी वो साथ हूँ, ऐसी नहीं कोई रीत है। चाहे जहाँ भी मैं रहूँ संग मेरी मीत है, हाँ किसी भी वफा से कल शाम को 4 बजे विविध भारती प्रोग्राम में। हाँ जी बजा तो था, लेकिन इसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एचएमवी वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड होने का था। जी सोमनाथ जी 2 बजे से रिकॉर्डिंग कर रही हैं जी। Thank you.
मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? जी ठीक है, रिसेप्शन में बिठाओ, आते हो। ओके। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। और तुम? ठीक हूँ। बैठो। बहुत ही प्यारा गाया, लिखा भी तुमने ही। हाँ, रिकॉर्ड के लिए पहली बार गाया, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं तो पहले भी कहा करता था तुम्हें प्रोफेशनल तौर पर गीत गाने चाहिए। तब की बात और थी, अब और बात है। आज यहाँ कैसे? कल तुम्हारा गीत सुना रेडियो पर, तो मुद्दत से उठती लहरों में तूफान आ गया और मैं बधाई देने और हो सके तो कुछ कहने चला आया। लहरें, तूफान, ये सब तो तुम्हारे लिए आते ही रहते हैं। हाँ, पर पहले किनारे मजबूत होते थे, अब किनारे मजबूत होते नहीं, बनाए जाते हैं, उन्हें ठोस होने का मौका दिया जाता है, वरना मजबूत किनारे भी बह जाते हैं। ओह, I'm sorry. Am I disturbing you? No, not really. इनसे मिलिए, ये मनोज नाथ हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, और ये मेरे दोस्त सुनील वर्मा। आप तो आपके पति थे, अब महज दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। रिकॉर्डिंग? बस एक टेक और करना है। ओके। I'm sorry, really. That's all right. शोभना, बधाई। राम, मुझे क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? यही सवाल तो मैं अपने आप से पूछता हूं मेरे दोस्त, कि मुझे क्या चाहिए? कम विद मी, कम आ यार, कम। ये पेंटिंग देखते हो? जब कभी भी इन पेंटिंग्स में अपने रंग भरता हूं, यहां वहां लकीरें खींचता हूं, मन में ये बार बार आता है कि यार मुझे चाहिए क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बस यूं ही यहां वहां रंग पोत देता हूं। और लोग फिर भी इसे अच्छी पेंटिंग मानते हैं, अच्छी खासी कीमत दे देते हैं भाई। हम लोग, यानी कि हमारे तुम्हारा जैसे लोग, हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। जिस तरह से कि मैं अपनी पेंटिंग्स में नए नए रंग भरता हूं, इस उम्मीद में कि कोई नया भाव मिल जाए, उसी तरह से अपनी जिंदगी में भी हम नए नए रंग भरते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी रंगों का एक परफेक्ट मिक्सचर मिल जाए। और ये भटकना दोस्त, यही हमारी जिंदगी बन जाता है। हाँ, तुम सही कहते हो राम, क्योंकि रंगों का जो मिक्सचर हम ढूंढते रहते हैं, वो शायद खुद हमारे अंदर होता है, हमारे नजदीक होता है। करेक्ट, करेक्ट। इसलिए तो कहता हूं कि दोस्त, कि कम से कम तुम तो अपने नजदीक के रंगों पे हाथ रखी दो, अपन तो बहुत आगे निकल गए, अपने रंग भी बहुत बिखर गए। मेरे रंग भी बिखर चुके हैं राम। पर यार, तुम अभी भी उन्हें समेट सकते हो। I don't know. This is really good. Of course it is. Hey now.
लिसन, लेट्स चेंज द सीन। हाँ, और वो क्लब में मुझे लोगों ने बुला रखा है, वो मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन लगा रहा है। काफी डिप्रेस्ड हो, थोड़ी आबो हवा बदल जाएगी। नहीं यार, काम काम नहीं, डोंट बी सिली, कम, दैट्स इट। Well, 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 Mr. Sunil Verma himself, जनाब की सवारी आज हमारे गरीब खाने पर। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। जोली, तुम सुनील के साथ बैठकर थोड़ी देर गुफ्तगू करो, मैं अभी आता हूं। मुझे कुछ रंग इकट्ठे करने हैं। ओके, सी यू। सी यू। बैठो। थैंक यू। ड्रिंक? काम के वक्त कभी नहीं। तो कहां हो तुम? हुजूर आला जब बीवी के साथ थे तो फिर भी कभी कभी दर्शन हो जाते थे। जब से किरण के साथ रहना शुरू किया है, ईद के चांद से भी बदतर हो गए हो। मोहब्बत बहुत ज्यादा है क्या? छोड़ो ना, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इतना काफी नहीं है। Hey, something is wrong. What is it? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। Hey, listen, मेरा अगला सॉन्ग 20 मिनट के बाद है, उतनी देर ब्लॉक का एक चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है? ओके। असली मोहब्बत तुम्हें सिर्फ शोभना के साथ ही थी, और क्योंकि तुम्हें अंदर से ही सिक्योरिटी थी कि वो तुमसे और तुम सिर्फ उससे मोहब्बत करते हो, आई मीन यू वर इन लव, तो तुम थोड़ी बहुत शरारतें इधर उधर कर लिया करते थे। किरण के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप के पीछे लगता है एक ज्वार, यानी कि पैशन, पैशन की बात है जो कि तुम शायद मिस करते रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो तुमसे वाकई में मोहब्बत करती हो, लेकिन असली ट्यूनिंग मैं समझती हूँ सिर्फ तुम्हारे और शोभना के बीच में ही है। वो क्या लाइन मारा करते थे तुम? मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, वही लगती है। फैसिनेटिंग जूली, तुम रियली कमाल हो, असली दोस्त। वैसे तो हम तुम पे मरते भी थे, लेकिन तुमने कभी लिफ्ट ही नहीं दी। देखो, कुछ मैं नशे में भी हूँ और कुछ मौसम भी अजीब है, अगर भाग जाऊं तो एनी टाइम। आ रहे हो? अभी नहीं, अगली बार। कम सून, बाय बाय। अभी तक जगे? हाँ। क्यों? ये पूछना जरूरी है। क्या मतलब? 7 बजे से इंतजार कर रही हूँ। दफ्तर में फोन किया तो वहां नहीं है, क्लब में फोन किया तो वहां नहीं है, दोस्तों के वहां नहीं है। अगर पुरानी सहेलियों से मिलना ही था तो कम से कम मुझे फोन तो कर दिया होता। Don't be ridiculous. I am not being ridiculous. I am suffering. Suffering? मैंने तुम्हें मारा है? तुम्हें भूखा नंगा रखा है?
कोई ज्यादती की है तुम्हारे साथ? हाँ, ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है? मेरे होते हुए दूसरी औरतों के साथ घूमना, फ्लैट करना ज्यादती नहीं है क्या? किस औरत के साथ घुमाऊं मैं? जूली के साथ। तुम मेरे ऊपर जासूसी करती हो? हाउ डेयर यू। मुझे जासूसी करने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया तुम्हें देखती है। लिसन किरण, समझने की कोशिश करो। नो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हर वक्त मुझसे चिढ़ते रहते हो, तुम्हें मेरी कोई चीज पसंद नहीं है। किरण चुप। क्यों चुप रहूं? नहीं चुप रहूंगी। जाओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास, जाओ शोभना के पास, वही तुम्हारी सब कुछ है ना। किरण स्टॉप। शोभना को मत लाओ इसमें। लाऊंगी शोभना, शोभना, शोभना। हेलो। ओह हेलो, तुम यहाँ? हाँ, काम करती हूँ यहाँ। अच्छा, कहाँ? 12th फ्लोर पे, वुमेन्स मैगजीन के दफ्तर में। ओह, और तुम्हारा दफ्तर तो यहाँ नहीं है ना? मैं एडवर्टाइजिंग काउंसिल की मीटिंग अटेंड कर रहा था, बोर हो गया तो जल्दी घर जाने की सोच रहा था। और तुम कहाँ जाओगे? घर। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? हाँ, पर घर पे तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। उसकी परवाह मत करो। चलने से पहले एक कॉफी के लिए वक्त होगा क्या? यहीं एक रेस्टोरेंट है। ठीक है। तुम अब कॉफी में चीनी लेने लगी हो? हाँ, काम के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। तुमने चीनी लेनी बंद कर दी है? हाँ, शुगर बढ़ गई थी मेरे लिए,
बैठानी जरूरी थी। बहुत काम करती हो। हाँ करना तो पड़ता है। क्या काम है? सब एडिटर हूँ। फिर तो मिलता ही क्या होगा? लिसन शोभना, इतना काम करना कोई जरूरी तो नहीं। गीत लिखती हो, रिकॉर्ड बनाती हो, फिर ये सब एडिटरी। रुपए चाहिए तो मुझसे ले लो ना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारे रुपए से सुख मिलेगा ही? मैं तुमसे अलग इसलिए नहीं हुई कि फिर तुम पर ही निर्भर रहूं। मैं अलग हुई हूं अपनी परिभाषाएं खुद ढूंढने के लिए, अपनी लकीर खुद खींचने के लिए। हाँ अगर मैं अपाहिज होती तो और बात थी। हर मर्द औरत को अबला ही क्यों समझता है? I'm sorry. मैं तुम्हें अबला हरगिज़ नहीं समझता। मैं तो ये हमदर्दी दिखाना चाहते थे ना। आई एम ओके, थैंक यू। ये भी तो हो सकता है जो मैंने कहा है उसे दिल का वास्ता रहा हो, दोस्ती का वास्ता रहा हो। सॉरी। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटना चाहे तो वो क्या करे? कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनके निशान रह जाते हैं, और जब निशान रह जाते हैं तो सुबह का भूला शाम को भी भूला ही रहता है। सुनील बाय। तुम इनसे कहोगी कि इनकी याद में मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं तारे गिनता रहा। तुमने इनकी बात सुन ही ली है, क्या जवाब देना है? इनसे पूछो आसमान में कितने तारे हैं। ये पूछती हैं आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में कितने तारे हैं जी? आसमान में 30,50,27,70,13 तारे हैं। नहीं, इतने तारे कैसे हो सकते हैं? किताबों में तो सिर्फ आधे ही लिखे हैं। जी वो ऐसा है कि आधे तारे मैंने रात में गिने थे और आधे दिन में। इनकी मोहब्बत में मुझे दिन में भी तारे नजर आते हैं ना। नीना इनसे कहो हम इम्प्रेस हुए। ये तुमसे इम्प्रेस हुई? नीना जी तो आप इनसे पूछिए ना, क्या ये मुझसे शादी करना कबूल करेंगी? हमें इनकी फरियाद मंजूर है। इन्हें तुम्हारी फरियाद मंजूर है? ऐसा? जस्ट मिनट, तुम जरा इनसे अब फूटने के लिए कहो। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? खाम खाम कबाब में हड्डी बनी हुई। यू हर वे मैन मैं लड़ने को जा कहता हूं। अरे मत कर, तुम तो की बात करो। हां तू जा, अभी दिखाती हूं। ठहरो। इतनी महंगी गिफ्ट? अरे भाई तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे कीमती चीज पैदा की है, हमारी बेटी को जन्म दिया है, तो उसके सामने इस तोहफे की क्या कीमत है? ओह डार्लिंग आई हेट यू। You know you're a bitch, but I love you. तो क्यों करते हो ऐसी हरकतें?
वो तो मामूली सी छेड़छाड़ में सिर्फ ये परखने के लिए करता रहता हूँ कि किसी और में वो बात है या नहीं जो तुम में है। दुनिया की किसी भी औरत में वो बात नहीं जो तुम में है। Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, love, love that is shared by two, la la la, like a rose. मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया ने मुझे बहुत बुरी तरह से लेट डाउन किया। पता नहीं रिश्ते ना तो मैं से मोहब्बत कहाँ चली जाती। आंखें बंद करो, करो तो। अब खोलो आंखें। Oh darling, how can you always do the right thing at the right time? अंधेरे में बैठी हूँ, सब कुछ ठीक तो है? ऐसे बैठे बैठे कुछ सोचने लगी, पता ही नहीं चला वक्त कितना बीत गया। आओ। ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। शायद तुम ठीक ही कहते हो, पर सोचने पर किसी का बस भी तो नहीं चलता। बाहर चलना जरूरी है क्या? यहीं कुछ बना लूं तो? जरूरी तो नहीं, चाहो तो यहीं बैठेंगे अगर मन नहीं है तो। वैसे मैं सीटें रिजर्व करा चुका हूं। अच्छा, तो चलो बाहर ही चलते हैं। तुम बैठो, मैं दो मिनट में आती हूँ। पर क्यों? कोई खास वजह नहीं। मीता से अलग होने के बाद बरसों तो बस इच्छा ही नहीं हुई। एक अजीब सी लापरवाही सी छा गई। फिर दोबारा जब सोचना शुरू किया शादी के बारे में, तो कोई लड़की जची नहीं निभने के लिहाज से। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो बस इस फूक फूक कर बढ़ने में उम्र का कारवां गुजरता चला गया और मैं मिस राइट को नहीं ढूंढ पाया। अभी कौन सी तुम्हारी उम्र गुजर गई? मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारी मिस राइट मिलेगी, जरूर मिलेगी। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मुझे मिस राइट मिली भी तो मैं भी उसके लिए मिस्टर राइट रहूंगा? Oh, I can guarantee that. मुझे यकीन है मिस राइट के लिए तुम मिस्टर राइट रहोगे ही रहोगे। बस चलो बाहर टेरेस पर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहीं कॉफी पियेंगे। ठीक है। वो जो मिस राइट की बात थी ना, वो मुझे मिल गई है। मिल गई है? कहाँ है? कौन है? उसके सामने खड़ा हूँ। मुझे मालूम था ये मेरी जबरदस्त गलतफहमी है, मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग। Look, I'm sorry. मनोज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुमने जो कहा मुझे उससे खुशी हुई, लेकिन बड़ी उथल पुथल से गुजरने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए, सभी के सुख के लिए, सभी की शांति के लिए।
प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कौन से मिस्टर शोभना? एक रूसी औरत मेरी दोस्त हुई, बड़े अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जी भर के प्यार देना और प्यार लेना जानती थी। फिर भी दो बार उसका विवाह टूटा, लेकिन इससे भी उसकी जिंदा दिली में कोई कमी नहीं हुई। एक दिन जब मैंने उससे पूछा कि इतने हादसों से गुजरने के बाद भी वो कभी गमगीन क्यों नहीं रहती, तो उसने कहा जिंदगी को जिया जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिश्ते बनाओ उनके ना तो इतने करीब जाओ कि वो उलझ जाएं और उनमें गांठें बढ़ जाएं, और ना ही इतने दूर रहो कि उनमें धागे ही ना रहें, बस बीच की जगह रहो, अच्छी साफ सुथरी दोस्ती की जगह। इस बीच की जगह को वो गोल्डन मिडिल कहा करती थी। क्या हम लोग इस गोल्डन मिडिल की जगह नहीं रह सकते? जरूर। Stay, my friend. Oh, मिनी बाबा ने हमको पिटवा दिया। अब देखना मिनी, 1, 2, 3, ये मिनी बाबा हार गए। Oh. अब देखना आप हमारी सर्विस उठाइए। बेटे मुनु 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 मिनी को देखने, कहीं वो उगड़ी ना हो। गो टू स्लीप बेटे, बहुत रात होगी। दैट्स राइट। मिनी अभी तक नहीं जगी? नहीं, अभी भी सोता है। किरण मैम साहब किधर है? बाहर गया है। बाहर? इतनी सुबह? किस लिए? मेरी को क्या मालूम साहब। मैरी! जी साहब। किसका सामान है ये? किरण मैम साहब का। किरण का? कभी पैक किया? कल रात ही पैक करके रखा था। क्यों? हम क्या बताएंगे साहब? बाहर कभी गया? घंटा होएला है। कुछ बोल के नहीं गया? हमसे बोला बाहर चक्कर लगाने को जाता है, साहब जगेगा तो आ जाएगा। हम अभी आता है। किरण
तुम जानते हो सुनील, मुझे पहले से ही समझना चाहिए था। शुरू से ही ये एक तरफा आग थी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हें नहीं। दरअसल तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक पैशन था हमारे रिश्ते का आधार। जब वो निकल गया तो वो आधार भी गिर गया। मेरे लिए ऐसा नहीं था सुनील, मैं चाहती थी तुम मुझ पर झुक सको, मैं तुम्हारी जिंदगी की भागीदार बन सकूं। I don't know what to say. कुछ मत कहो, यही बेहतर होगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, आज सुबह अपना फ्लैट भी वापस ले लिया है। हम लोग यहीं इसी वक्त अलविदा कहें तो बेहतर होगा। किरण, कुछ मत कहो, बस जाने दो। क्या लूं सर? कुछ नहीं। जो भरती थी दिल में तरंगे हमेशा, वही आज दिल को जलाने लगे हैं। जेनी, वो शाम को क्लब की मीटिंग के लिए मेरी तरफ से अपॉलॉजी भेज दो, मुझे जरूरी एंगेजमेंट आ गया है। ओके सुनील, राइट अवे। Thank you.
मैं जरा बात कर सकता हूँ? ओह हेलो, हाँ इनसे मिलिए, शेखर कपूर है, सुनील वर्मा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट में आती हूँ। Hey there, how are you? Remember me? Yeah. Come on, aye. Come. इनसे मिलो, सुनील वर्मा। हाँ जी। और ये मिस्टर चड्डा। और चड्डा कैसा चल रहा है? हाँ जी ठीक है। प्रसन्न हो ना? कैसी माँ जी? अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपके साथ डांस कर सकता हूँ? जाइए ना, जाइए शुभ्रा जी। जी शुभ्रा जी। तुम मेरी रग रग में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे काम में, मेरे सोने में, मेरे जागने में, मेरी हर चीज में समा चुकी हो। यही है तुम्हारी फिफ्थ डायमेंशन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।